आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल या एकदम ढाबा स्टाइल पंजाबी मटन करी की रेसिपी। तरी वाली बहुत ही मजेदार मसालेदार ग्रेवी बनकर रेडी होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे 750 ग्राम मटन। ये मटन के पीसेस मैंने थोड़े बड़े लिए हुए हैं, आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी करवा के ले सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच डालना है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डाल देते हैं मटन के हिसाब का और एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं फ्रिज में मिनिमम आधे घंटे के लिए। मटन को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में ताकि ये जल्दी से पक जाए। सरसों का तेल ले लेते हैं 3/4 कप, आप चाहें तो दूसरा कोई ऑयल भी ले सकते हैं। अब तेल में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। हाई फ्लेम पर पहले हम मटन का सारा पानी सुखा लेंगे। जैसे ही पानी सूख जाए इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए। इस तरह से मटन को फ्राई करने से मटन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे ही आप देखें मटन पर हल्का सा गोल्डन कलर चढ़ गया है, सारा तेल ड्रेन करके हम ये मटन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो ये सारे मटन के पीसेस हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं, इन्हें आप साइड में रख देते हैं। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और ये तेल जो बचा हुआ है इसे हम निकाल लेते हैं। करीब आधा कप तेल हम इसमें से निकाल देंगे। बचे हुए तेल में अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4-5 डालेंगे हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, 5-6 लौंग, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च, 1 डालना है तेज पत्ता, जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर। अब ये खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे करीब आधे मिनट के लिए। इसका सारा फ्लेवर रिलीज हो जाए तेल में, तब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। ये 3 मीडियम साइज की प्याज है जिसे हम रफली चॉप करके डालेंगे। साथ ही इसके हम डाल देते हैं 10-12 कलियां लहसुन की, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है इसे डाल देते हैं चॉप करके। ग्रेवी का सारा तीखापन आएगा हरी मिर्चों से, इसलिए हम इसमें डाल देंगे करीब 8-9 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, प्याज बस सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखिए प्याज सॉफ्ट होने लगी है, हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर मैंने थोड़े मोटे और लंबे पीसेस में काटे हैं। छोटे पीसेस में अगर आप टमाटर काटेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब फिर से सारी चीजों को चलाते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। आप जैसे ही देखें कि टमाटर के पीसेस सॉफ्ट होने लगे हैं, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। जब ये मसाला ठंडा हो जाए हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो ये हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है, इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब इसी प्रेशर कुकर में हमें डाल देना है तेल जिसे हमने अलग निकाल कर रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर हम इस तेल को गर्म कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा ग्रेवी में। हल्का सा इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है इसे डाल देंगे, साथ ही इसके थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं करीब 1/4 कप। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले को अगर हम इसी तरह से पकाएंगे तो ये काफी उछलेगा बाहर, इसलिए हम इसे ढककर पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ढक्कन हटा लेते हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तेल जो हमने रेसिपी में यूज किया हुआ है ये सारा ऊपर आ चुका है। अब मटन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं इन्हें हम डाल देंगे, साथ ही इसके हम डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने ग्राइंडर में एक बार घुमा लिया है, आप चाहे तो इसे हाथ से भी फेंट कर डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब का। अब लो फ्लेम पर हम दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों के साथ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे करीब आधा कप ताकि मटन अच्छी तरह से पक जाए। मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे करीब 30-35 मिनट के लिए, या फिर 4-5 सीटी आ जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। मटन अच्छी तरह से पक जाए तब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ढक्कन को अब हटा लेते हैं। फ्रेश मसालों की खुशबू आ जाए इसलिए हम इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर। अब इसमें हमें डालना है थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। मीडियम फ्लेम पर अब इसे पका लेंगे हम 2-3 मिनट के लिए। धनिया के पत्ते सॉफ्ट हो जाए बस तब तक हमें इसे पकाना है। इस टाइम पे ग्रेवी को अगर आप पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे बॉईल कर सकते हैं। फ्लेम को अब ऑफ कर देते हैं। तो बस ये हमारी तरी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल
पंजाबी मटन करी बनकर रेडी हो गई है। इसे आप सर्व कर लीजिए नान, पराठा, स्टीम राइस या फिर जीरा राइस के साथ। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, बनाना भी बहुत ही आसान है। ट्राई ज़रूर करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार झटपट रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।